हाय गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसके फैशन लाइफस्टाइल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा, टाइटल पढ़ने के बाद, थंबनेल देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है और मेरे कौन से ड्रीम पर है। आए दिन मेरे ड्रीम्स तो चेंज होते ही रहते हैं। मैं हमेशा ड्रीम्स देखती ही रहती हूँ, मतलब सपने देखती रहती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं सिर्फ सपने देखती ही नहीं हूँ, मैं उनको पूरा भी करती हूँ। ये तो जो लोग मेरे वीडियोस शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा, और जो मुझे करीब से जानते हैं उनको भी ये चीज़ अच्छे से पता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं करती हूँ। मेरी ज़िद होती है कि मैं जो चीज़ को चाहूँ मैं उसको हासिल करूँ, कोशिश करती हूँ। और आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ना सुपर से भी ऊपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम, मेरा सपना, मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, और जो कि नामुमकिन था वो मुमकिन हो चुका है। और फाइनली मैंने उस चीज़ को जो मेरे आँखों के सामने रखी हुई है, मैंने उसको फाइनली हासिल कर लिया है। मेहनत के थ्रू मैंने हासिल किया है, मेहनत करके मैंने उसको हासिल किया है। जब मैंने इसकी ख्वाहिश की, जब मैंने इसका सपना देखा, जब मेरा ये ड्रीम था, तभी मैंने सोच लिया था कि इसको मैं अपनी मेहनत से हासिल करूँगी। इसकी मैं फरमाइश करके हबू से या फिर किसी भी तरीके से पूरा नहीं करूँगी। मैंने तभी ये सोचा था, मेरी मेहनत का फल बोल सकते हो आप, या फिर मेरी ख्वाहिश जो थी उसको पाने के लिए मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और इसके लिए स्ट्रगल मेहनत करने के बाद जो हम पैसा कमाते हैं उससे मैंने इस ड्रीम को पूरा किया है। मैं तो समझती हूँ कि ये चीज़ देखने के बाद हो सकता है हर लड़की का ये ड्रीम हो, हर लड़की की ये ख्वाहिश बन जाए। तो मैं दुआ करूँगी कि यार हर लड़की के पास ऐसी चीज़ हो। ऐसी चीज़ें आपको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई एज अ गिफ्ट या फिर आपको कोई फैमिली मेम्बर अगर आपको ये चीज़ दिलवा सकता है तो आप उनसे भी मांग सकते हो। आज की वीडियो में ना मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करूँगी, और या आपके साथ नहीं शेयर करूँगी तो किसके साथ करूँगी यार? आप ही तो मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे फ्रेंड्स हो। तो चलो अभी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरे पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए आइकिया गई थी, वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए गई थी जो मुझे नहीं मिला। इसके बाद मैं गई एक और कोई मॉल था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। इसको लेने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इसको खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। मैं हबू को कहाँ कहाँ नहीं लेके गई, उनसे बहुत ज़्यादा ज़िद करती गई कि मुझे यहाँ देखना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ खोजना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ ढूंढना है, वहाँ पूछना है। पता नहीं मैंने कितना गली गली उनको फिराया है ना, ये मैं ही जान सकती हूँ। और वो जैसे जैसे उनको टाइम मिलता गया वो वैसे वैसे मुझे लेके जाते गए, और वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा ज़िद की उनसे। अगर आपको कुछ हासिल करना हो ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यार। कोई भी चीज़ आपको बैठे जगह नहीं मिल सकती, आपको उसको हासिल करने के लिए ना बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छा वक्त भी आपकी लाइफ में आता है और बहुत बुरे से बुरा वक्त भी आपको देखना पड़ता है। कोई भी ख्वाहिश हो यार, छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, उसके लिए हमें लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो कि हम कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आपकी हिम्मत हो ना, अगर आप सच्चे हो, तो आप उस स्ट्रगल को भी पार करके आगे जाके उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। अगर आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, आपकी ख्वाहिश सच्ची हो और आप में इतनी हिम्मत हो, तभी आप ये सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले अपने आप में ना बहुत सारी हिम्मत लेके आए। मैं एक बात बोलना चाहूँगी आपसे, मैंने 1 रुपए से शुरुआत की थी। मैं अपना जो पुराना वक्त है, जो पुराना टाइम है, वो याद कर रही हूँ तो इमोशनल हो रही हूँ, जो कि मैं नहीं होना चाहती हूँ। तो चलो मैं आपको अपना ड्रीम दिखाती हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं,
बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे शौक़ हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनको मैं डेफिनेटली जब तक मैं हूँ मैं तब तक पूरा करती रहूँगी। और ये सब कुछ पूरा करने में मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो बस मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपसे मैंने बहुत सारा इंतज़ार करवा दिया है। अभी चलो मैं आपको अपना क्या बोलूँ दिखाती हूँ, दिखाने के बाद बोलती हूँ क्या है, ठीक है? चलो हॉलीवुड स्टाइल वैनिटी विद मिरर प्लस एलईडी लाइट्स ड्रॉअर। इसी को तलाश करने के लिए गई थी आइकिया, रॉयल ओक और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े फर्नीचर्स की शॉप पे मैं गई थी। ये कहीं नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये मिलता नहीं है, इसको बनवाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे वैनिटी ड्रॉअर्स इस्तेमाल करते हैं, परचेस करते हैं। आखिर में जाके हमको इसको ऑर्डर देके बनवाना पड़ा है जो कि बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव हमको पड़ा है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। इसको खोजने में हमने एक महीना लगाया लेकिन मिला नहीं। फिर इसको हमने बनवाया तो लग गया 1.5 से 2 महीना। इसका प्रोसेस 3 महीने से चल रहा था जो कि अब जाके आज जाके कम्प्लीट हो चुका है। इसको मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में। यूट्यूब चैनल खोलने के टाइम पे जो मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला जो ड्रीम था वो यही था। इसको पूरा करने के लिए टाइम बहुत लगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था, इसीलिए ये जल्दी पूरा नहीं हो पाया है। इससे पहले जो छोटे छोटे सपने थे, जो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जो छोटे छोटे ड्रीम्स थे, मैंने वो सारे ड्रीम्स को पूरा किया। लेकिन इसको पूरा करने में जी जान लग चुकी थी मेरी, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने इसके लिए। बीमार थी तब भी वीडियो शूट करती थी, तब भी यूट्यूब पर एक्टिव रहती थी, काम करती थी। और ये नहीं है कि इसके आने के बाद भी मैं एक्टिव ना रहूं। मेरा चैनल ही सबसे बड़ा मेरा ड्रीम है जिसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो आप सबको लगता होगा कि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके मेरे पास आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम जो काम करते हैं, जो कि हम एक यूट्यूबर है, एक क्रिएटर होने के हवाले से मैं आपको बोल रही हूँ, एक यूट्यूबर को, एक क्रिएटर को ना इतनी फुर्सत नहीं होती है कि ये सारी चीज़ों को इंजॉय कर सके, इनके साथ अपनी अपना टाइम स्पेंड कर सके। ऐसा ही है हमारे साथ। कबर्ड आप देख रहे हो, इसको भी हमने बनवाया था और इसको भी मैंने अपनी यूट्यूब की सैलरी से ही ख़रीदा था और इसको भी मैंने बनवाया है। YouTube से ही कमाती हूँ और YouTube पे ही खर्च करना पड़ता है। ऐसा अच्छा अच्छा अगर आपको दिखेगा तो आपको भी अच्छा लगता है और हमें भी। तो ये वाला कबर्ड जो है वो बनवा के बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। पहले हमने ये वाला कबर्ड बनवाया है, इसके बाद हमने ये वाला ड्रेसिंग टेबल, लेकिन ये ड्रेसिंग टेबल हमने किसी और के पास बनवाया है और इस कबर्ड को हमने किसी और के यहाँ बनवाया था, तो ये इतना अच्छा नहीं है। इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं जा सकती क्योंकि ये इतना अच्छे से नहीं बना है, लेकिन ये जो बनवाया है ना ये बहुत ही सही बनवाया है। आपको दिखने में ना बहुत ही नॉर्मल चीज़ लग रही होगी लेकिन इसकी खूबसूरती और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा महंगे डिमांड है। सबसे पहले मिरर से शुरू करते हैं। तो इसका मिरर जो है वो कुछ इस तरीके का है और इसके ऊपर जो आप सारे लाइट्स देख रहे हो, इसकी एक एक लाइट 250 रुपये की है और इसको, इसकी लाइट्स का, इसके मिरर का, इसका जो डिस्प्ले ग्लास आप देख रहे हो, इसका सबका खर्च मैं अलग अलग नहीं बोल सकती क्योंकि इस ये सारी चीज़ों का हिसाब मैंने नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको ये बोलूंगी कि ये मुझे कितने में मिला है या फिर बोल सकते हो बनवाने तक कितने का पड़ा है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर ये है मेरा और इसकी साइड्स में आप देख सकते हो लाइट्स लगी हुई हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर, तो ये इसका डिस्प्ले है। इस टेबल के ऊपर ग्लास लगवाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ से इस तरीके का ग्लास हमने लगवाया है। ये सारी हमारी डिमांड थी कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए। इसके अंदर मैंने कुछ भी अपना सामान नहीं रखा है क्योंकि मुझे आपके साथ सबसे पहले इसको टोटली शेयर करना था, इसीलिए।
और सिर्फ मैंने इस पर ना ये वाली डायरी रखी हुई है जिस पर ना इस तरीके की लाइंस लिखी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा सही है मेरे लिए। तो इसके डिस्प्ले पर इस तरीके का ग्लास लगवाया है हमने। इंटरनेट से एक पिक्चर निकाली थी मैंने इस टेबल की, तो उसी को दिखाकर मैंने बनवाया है इसको। जैसी पिक्चर हमने उनको दिखाई थी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही इसको बनाया है। सेंटर में ये एक वाला ड्रॉर है, ये देखिए, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक का कवर डाल दिया है क्योंकि इसमें मैं जल्दी में ही अपना मेकअप का सामान स्टोर करने वाली हूँ। इसके नीचे सेंटर में ही इस तरीके का टेबल बनवाया गया है, आप देख सकते हो। और इसका जो कलर है वो ग्रे है, हमने कहा था वाइट लेकिन उन्होंने ग्रे दिया। और ये है इसका टेबल, इसके साथ वाला टेबल, इसको हमने कुछ इस तरीके से बनवाया है ताकि इसके अंदर हम बहुत सारा सामान स्टोर कर सकें। इसीलिए देख सकते हो इसके अंदर इतनी स्पेस आ जाती है। इसके बाद ये पूरा का पूरा प्लेन वाइट कलर का टेबल है। इस टेबल के नीचे हमने इस तरीके के टायर्स डलवाए हैं क्योंकि इसको ना निकालने में और रखने में आसानी हो, बहुत ज़्यादा हैवी। आओ शिट यार, छूट गया हाथ से, लग गया यार, लग गया यार, सॉरी, टेबल छूट गया हाथ से। इतना ज़्यादा हैवी है ये वाला टेबल, आप इसका साइज़ देख के समझ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। इसीलिए हमने इसके नीचे टायर्स डलवाए हैं ताकि इसको निकालने में और रखने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इसकी दोनों साइड पर चार चार ड्रॉर्स दिए गए हैं और इसके सेंटर में एक ड्रॉर दिया गया है। टोटल इसमें 9 ड्रॉर्स मिलेंगे और इसके अंदर जो स्पेस है वो मैंने आपको दिखा दी है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा काम आ जाती है। और इसके साइड्स में इस तरीके के ड्रॉर्स हैं और इनके साइजेस आप देख सकते हो, सबसे नीचे वाला जो है वो सबसे बड़ा है दोनों साइड का, और इसके ऊपर वाले हैं जो हैं वो मीडियम साइज़ के हैं। तो ये ड्रॉर मैंने, सबसे नीचे वाला ड्रॉर हमने बड़ा रखवाया है क्योंकि हम इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें रख सके, इसीलिए। इसके बाद ये छोटे छोटे ड्रॉर्स हैं इतने साइज़ के, और ये है सबसे बड़ा वाला। अभी फ़िलहाल ये सारे ड्रॉर्स खाली हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाल के रखा हुआ है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें सारा अपना कॉस्मेटिक, अपनी सारी ज्वेलरी, सारी चीज़ें जो है वो स्टोर करने के बाद अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। इस टाइप की लाइट्स हमने इसमें डलवाई हैं और सारी LED लाइट्स जो है वो वाइट कलर में ही है। गाइस, आपको कैसा लगा मेरा ड्रेसिंग टेबल प्लस वैनिटी ड्रॉअर? जैसे जैसे हम इसको बनवाने में फरमाइश करते गए वैसे वैसे इसके पैसे भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते गए थे, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँगी। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये ड्रॉअर कितने का पड़ा है। देखो, इसका मिरर, इसका डिस्प्ले ग्लास, इसकी लाइटिंग, इसकी फिटिंग, इलेक्ट्रिशियन को अलग से बोल के इसका काम करवाना, इसकी लाइट्स, LED लाइट्स ख़रीदना, इसका जो मिरर है वो, सारी चीज़ें जो कारपेंटर को बोल के हमने बनवाया है। तो मैं आपको टोटली क्लियर लफ्ज़ों में बोल दूँ, इसका मैं अलग अलग करके आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि इसका टोटल खर्च इतना हुआ है, जो कि पेमेंट मैंने खुद ही किया था, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ। इसका मैंने टोटल पे किया है 36,000 रुपीज़। तो मुझे ये वाला वैनिटी ड्रॉअर 36,000 रुपीस में मिला है। अगर आप पूछना चाहोगे कि कबर्ड के साथ बोले तो मैं आपको बोलूँगी कि 50,000 रुपीस तक का आपका खर्च होगा, क्योंकि कबर्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं करवाई थी जो कि मुझे करवाना था। इसकी जो मिरर क्वालिटी है, इसका जो डिस्प्ले का जो ग्लास है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसकी LED लाइट्स, इसकी एक एक लाइट जो है वो 250 रुपीस की हमें पड़ी थी, और जो इसके टेबल के नीचे जो हमने टायर्स डलवाए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हेवी है। वो बड़ी बड़ी चीज़ों पर लगता है लेकिन हमने टेबल पर इसको लगवाया, हमने बोला कि हमें जो भी लगेगा अच्छी क्वालिटी का चाहिए, और इसको उठाने में ना चार लोग भी बहुत ही मुश्किल से इसको उठा पाए हैं, ये इतना ज़्यादा हेवी है। और इसके ड्रॉर्स भी इतना ज़्यादा, मतलब कि डबल डबल इसका कोटिंग किया गया है, डीको पेंट इसका है। अगर मैं अपने कबर्ड की बात करूं तो मेरे कबर्ड पे ना डीको पेंट नहीं किया गया है, इसीलिए वो थोड़ा सा मुझे, मतलब थोड़ा सा, चलो मैचिंग मैचिंग तो है लेकिन इसके जितना, इस वैनिटी ड्रॉअर के जितना उसका पेंट
क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर उस पर डिको पेंट होता तो शायद वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता और अंदर से भी ये जो मेरा जो ड्रॉर है वो इतना ज़्यादा सही से नहीं बनाया गया है। हालांकि हमने बोल के बनवाया था बट वो इस तरीके से नहीं बना जैसा मुझे चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं कबर्ड में तो सिर्फ कपड़े रखना होता है तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन वैनिटी ड्रॉर मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही बना है और मुझे मिला है। इसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए यार हम लोग, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा। तो हमने उनको पिक्चर दिखाई, इसकी सारी डिटेल्स दी कि हमें मिरर ऐसा चाहिए, डिस्प्ले ऐसा चाहिए, ड्रॉर्स ऐसे चाहिए, टेबल ऐसा चाहिए, सारी चीज़ें हमने उनको एक्सप्लेन की। इस तब जाकर उन्होंने हमारा एक बिल बनाया, फिर उन्होंने हमें बोला कि टोटल इसका खर्च ये आएगा। तो पहले तो उन्होंने हमें 39,000 to 40,000 रुपीज़ का डिमांड किया था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो आए 36,000 रुपीज़ तक। तब जाके कैसे भी करके हमने ठीक है ओके करवा लिया। जब इस वैनिटी ड्रॉर की बिल रेडी हो रही थी तब उन्होंने हमसे कुछ एडवांस मांगा था, तो मैंने उनको 10,000 रुपीस एडवांस में दे दिए थे। इसके बाद इसके अगले दिन से ही उन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया था। और जो मेरे डिमांड्स थे उन डिमांड्स को देखकर उन्होंने बोला था कि आपको ये जहाँ बनेगा वहाँ पर जाके आपको देखना पड़ेगा। जब उन्होंने हमें कॉल किया हम कारखाने जाते रहे और इसको चेक करते रहे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था या फिर कुछ मुझे इसमें प्रॉब्लम्स दिख रही थी, तो मैंने उनको तभी बोल के उस प्रॉब्लम्स को मैंने क्लियर करवाई। वहाँ जब फाइनली ये रेडी हो चुका था तब भी मुझे बुलाया गया था, तब भी मैं गई थी। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक के बाद एक क्लिप्स दे रही हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। तो तब भी मैंने थोड़ा ना थोड़ा शूट किया था। आज मेरे गले को क्या हुआ है पता नहीं है, बार बार खराश रहा है, बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। और जब ये वैनिटी ड्रॉर फाइनली रेडी हो चुका था सिर्फ और सिर्फ इसका मिरर लगाना बाकी था, और मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। तो फाइनली जब ये रेडी हो चुका था एक दिन बाकी था इसको घर आने में, तो तब भी मुझे बुलाया गया था, तब भी मैं गई इसको इसको मैंने देखा चेक किया, सब ओके था। सिर्फ और सिर्फ टेबल पर जो नीचे की साइड पे टायर्स लगे हुए नहीं थे, मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है तो इसको मुझे निकालने और रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसको खींच के ढकल नहीं सकती, बहुत बड़ा है तो आसानी से ये आएगा नहीं और जाएगा भी नहीं, तो मुझे इसके नीचे टायर्स चाहिए। उन्होंने फिर उसके बाद उसके एक्स्ट्रा चार्जेस किए, जो नीचे टायर्स लगवाए गए हैं आपने देखा होगा उसके नीचे 6 टायर वाला एक होल्डर है, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसके चार्जेस किए। तो मैंने कहा इतना खर्च हो रहा है तो फिर इसको हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये भी ज़रूरी है इसके लिए, इसके बिना ये वैनिटी ड्रॉर इनकम्प्लीट था। तो मैंने इसको बोल के इसके टायर जो है वो डलवा के इसको कंप्लीट करवाया है। तो बस यही इसकी कहानी है। और इसको ढूंढने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए यार, मैंने अमेज़ॉन पर भी चेक किया था, नहीं मुझे ऐसा तो नहीं दिखा, तो जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं दिखा था। बस यही था, इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी मेरी सैलरीज इसमें लग चुकी है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा इंतज़ार, बहुत ज़्यादा सब्र करने के बाद इसको मैंने हासिल किया है। और एक बात, अगर आप लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, मेहनत करो, उस चीज़ को पाने का जुनून रखो आप, तो आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है लाइफ में। शुरू से मैंने बहुत सारी मेहनत की है, पता आपको 3 रुपए से मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था। बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है, आज जाके मैं इस काबिल बन पाई हूँ। छोटे छोटे थे मेरे बच्चे तब से मैं मेहनत करती थी, पैसा कमाती थी, और जब मैंने मेहनत करके पैसे कमाना शुरू किया था तब मेरी शुरुआत थी 3 रुपए से। 3 रुपए से मैंने मेहनत करके पैसा कमाना शुरू किया था, सोचो 3 रुपए से। 3 रुपए से मतलब मैंने कुछ साड़ियाँ आती थी, इतने बड़े बड़े कट्टे होते थे, मैं ऐसे उठा के लेके आती थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे मेरे, तब से मैंने 3 रुपए का अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब एक साड़ी पर इतना बड़ा पट्टा मारने का मुझे 3 रुपए मिलते थे। वहाँ से मैंने शुरुआत की अपने बिजनेस की बोल सकते हो या फिर अपने करियर की। लाइफ में मैं ना
सबसे पहले मैं ना फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, इसके बाद मेरा ड्रीम गया ब्यूटिशियन पर। ये सब कुछ मैं आपको ना किसी और वीडियो में बता दूंगी, ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैं ये टॉपिक तो आपके साथ कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, फुर्सत में आपसे बात करने के लिए बैठूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आने वाले वीडियोज़ में डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बात करने के लिए, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी देखने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वैनिटी ड्रॉअर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। स्टूडियो रूम का ये एक हिस्सा था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और कर देना सब्सक्राइब। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। अभी दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफस्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। बाय बाय गाइस।